हेलो, आई एम डॉक्टर रुतुजा। मैंने मेरा BDS MIDSI डेंटल कॉलेज से कंप्लीट किया है। मैंने TDA फिनिशिंग स्कूल 25 सितंबर को ज्वाइन किया था, एंड मेरा 36 डेज का कोर्स था। मेरे कॉलेज के बाद मैं थोड़ा सा गैप हो गया था, उसकी वजह से मुझे कॉन्फिडेंट फील नहीं हो रहा था कुछ प्रोसीजर्स करने में, तो या टाइम ज़्यादा लग रहा था, तो इस वजह से मैं सर्च कर रही थी, ऑनलाइन ऐसे ही सर्च कर रही थी कि कोई कोर्स है या जो मुझे कॉन्फिडेंस बूस्टअप करने में हेल्प करे। तो ऐसे ही मैंने ऑनलाइन इंस्टाग्राम पे ऐड देखी, तब मुझे TDA फिनिशिंग स्कूल के बारे में पता चला। तो फिर मैंने यहाँ पे कांटेक्ट किया, फिर यहाँ के जब डिटेल्स निकाले तो यहाँ पे काफ़ी सारे पेशेंट्स पे, लाइव पेशेंट्स पे डायरेक्टली वर्क करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। ये सब पता चलने के बाद मैंने काफ़ी लोगों को कांटेक्ट भी किया कि मतलब ये सच में इतने सारे पेशेंट्स मिलते हैं या नहीं, और फिर वो फाइनलाइज करके मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया। तो यहाँ आने के बाद मैंने 46 RCTs की है अब तक, और 12 क्राउन कटिंग्स, 5 एक्सट्रैक्शंस किए हैं, एंड पोस्ट एंड कोर भी किए हैं यहाँ पे। 6 पोस्ट एंड कोर किए हैं। तो इनिशियली टाइम ज़्यादा लगता था कैनाल फाइंड आउट करने में, या एग्जैक्ट लोकेशन कैनाल की कहाँ है वो इतना आइडिया नहीं था, बट जैसे जैसे करते करते गए वैसे वैसे यहाँ पे जो मेंटर्स हैं उन्होंने भी काफ़ी गाइड किया, और सब सबकी मदद से अभी RCT में करने में काफ़ी इजी हो रहा है। कैनाल्स भी जल्दी मिल जाते हैं, एंड यहाँ पे लेक्चर्स भी होते हैं, जैसे कि हमारा एंडो का लेक्चर हुआ था, पीडो का लेक्चर हुआ था, OMDR का लेक्चर हुआ था, जिसमें हम हमारे डाउट्स पूरे क्लियर करवा सकते हैं। और जो भी डाउट्स क्लियर होने के बाद जब हम लोग पेशेंट्स करते हैं तो और ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील होता है, और अच्छे से पेशेंट कर सकते हैं, एंड यहाँ पे गाइडेंस काफ़ी अच्छे से मिल जाता है। एंड यहाँ पे आने से पहले मैं महाराष्ट्र से हूँ, तो पंजाब आना मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा था, क्योंकि काफ़ी दूर है और इतनी दूर मैं कभी आई भी नहीं थी, तो घर वालों का भी था इतना दूर कैसे, क्या सेफ्टी इश्यूज़ वगैरह। बट यहाँ पे मैंने सबसे बात की, जैसे कि यहाँ पे मेजॉरिटी स्टाफ फीमेल ही है, और यहाँ पे रहने का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पास में ही PG है, तो वो सारी चीज़ें भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, तो उस वजह से यहाँ पे सेटल होने में मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। एंड यहाँ पे मेन रीज़न मेरा यहाँ पे ज्वाइन करने का यही था कि डायरेक्टली लाइव पेशेंट्स पे मुझे वर्क करने को मिला। एंड मैंने बाकी भी बहुत सारे एकेडमीज देखी थी, लेकिन वहाँ पे डेमो पे या एक्सट्रैक्टेड टूथ पे वर्क करवाते थे, लेकिन यहाँ पे लाइव थे पेशेंट्स, तो उस वजह से मैंने ये वाला चूज़ किया, जबकि ये काफ़ी दूर भी था। एंड यहाँ का ओवरऑल एक्सपीरियंस, यहाँ पे मुझे स्टरलाइजेशन प्रोटोकॉल्स वगैरह के बारे में भी काफ़ी कुछ पता चला। एंड जो भी कोई न्यू ज्वाइन करना चाहता है उनके लिए जैसे मेरी सिचुएशन थी वैसी ही, या उससे सिमिलर ही कोई ना कोई सिचुएशन होगी, किसी ना किसी रीज़न की वजह से हमें कॉन्फिडेंट फील नहीं होता होगा, तो ये काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हमको पेशेंट्स पे वर्क करने का मौका मिलता है, एंड कॉन्फिडेंस काफ़ी बूस्ट होता है, एंड हम इतने इंडिपेंडेंट हो जाते हैं कि इंडिविजुअली क्लिनिक हैंडल कर पाए हमारा खुद का। तो यही है कि अगर कोई न्यू ज्वाइन करना चाहता है, अगर कोई देख रहा है ऐसी एकेडमी, तो TDA फिनिशिंग स्कूल बेस्ट प्लेटफॉर्म है कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए।